मैं हूँ रेशमा और मैं हूँ परवीन और हमारे इस चैनल पे रेशमा सिस्टर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? दुआ में याद रखा कीजिएगा इस हमें भी, और हम भी आपको रोज याद करते हैं और याद रखते हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो गाइज आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दो जो फूड ब्लॉगर है, एक पाकिस्तान के और हमारे बहुत ही चाहने वाले, हम बहुत उनको पसंद करते हैं दोनों का हम लोग मतलब हमेशा उनका ब्लॉगिंग देखते हैं। सर हमारे घर के सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे हैं। गेस कीजिए गाइस, आप भी जानते होंगे उनको, एक इंडिया से हैं और एक पाकिस्तान से हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो को। तो गाइस ये वीडियो है इंडिया जॉइंट्स पाकिस्तान स्ट्रीट फूड टूर, फूड विदाउट बॉर्डर्स, क्योंकि गाइस फूड का कोई बॉर्डर होता ही नहीं है। तो वैसे ये दोनों जन ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है इस फूड ब्लॉगिंग को। तो चलिए हम देखते हैं दिल्ली और कराची फूड स्ट्रीट। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइस। जो कि है इसमें जिया तबारक स्ट्रीट फूड पीके और अनुभव साफरा दिल्ली फूड वॉक। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइस और देखते हैं इन दोनों की वीडियो। तो फिर चलें स्टार्ट दिल्ली फूड वॉक और स्ट्रीट फूड पीके कराची दिल्ली। '47 में जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जो बानियाने पाकिस्तान दिल्ली से कराची आए उन्होंने अपने कारोबार भी दिल्ली के नाम से ही शुरू किए और आज तक ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है। दिल्ली के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज हम आपको दिखाएंगे चंद पाकिस्तानी दिल्ली वालों के खाने और लेके चलेंगे आपको उनके रेस्टोरेंट्स, और हम जाएंगे पुराने दिल्ली जामा मस्जिद जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ पर हमारे दोस्त हैं अनुभव, इनका यूट्यूब चैनल है डेली फूड बॉक्स, उनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अनुभव के पास और देखते हैं कि वो पुरानी दिल्ली में हमें क्या दिखा रहे हैं। चलें थैंक यू जिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिया भाई बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल चलाते हैं पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड पीके नाम से। इस समय हम लोग जामा मस्जिद में हैं और इसको हम पुरानी दिल्ली भी कहते हैं, वॉल सिटी भी कहते हैं, शाहजहानाबाद भी कहते हैं। एक तरह से ये इंडिया का फूड कैपिटल है। हमारे पीछे एक लाइन है इसको मटिया महल कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के जायके मिलते हैं। आइए आपको हम जायके के साथ ले चलें। यहाँ पे आप किसी भी शॉप पे चले जाए आपको खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी है, गुलाब जामुन है और दही भल्ले हैं। पुरानी दिल्ली में कहीं भी जाएं, किसी भी शॉप पे जाएं, वहाँ का स्वाद ही बहुत अनोखा है। और ये सकते हैं गुलाब जामुन जलेबी काफ़ी अलग है बाकी जलेबी से। क्या स्पेशल है जलेबी में? मावा जलेबी। ये बुरहानपुर की जलेबी से बोलते हैं। बुरहानपुर फ्रेश जलेबी यहाँ बना रहे हैं, साथ में गुलाब जामुन है और दही भल्ले भी मिलते हैं। बुरहानपुर की जलेबियाँ फेमस है ना वहाँ की जलेबी। वैसे तो कराची में छोटी बड़ी बहुत सी फूड स्ट्रीट्स हैं, लेकिन बंस रोड और हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट सबसे पुरानी और सबसे मशहूर है। हुसैनाबाद में गौसिया के इस मसालेदार कढ़े की क्या ही बात है। मशीन
और जब हुसैनाबाद आए तो ये शारवा ट्राई करना भी मस्त है। तो ये था हुसैनाबाद और अब चलते हैं वापस दिल्ली और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और इस समय हम हाजी हुसैन शॉप पे हैं। ये शॉप फ्राइड चिकन के लिए फेमस है, इनफैक्ट दिल्ली की सबसे पुरानी फ्राइड चिकन शॉप है। इसको मैंने नाम दिया है JFC जमा मस्जिद फ्राइड चिकन। तो हमारे साथ में आसिफ भाई हैं और यहाँ पे आप ये देखें एक शॉप है कल्लन बावर्ची के नाम से, मुगलई खाना हुआ और यहाँ का लोकल जो खाना हो उसके लिए बहुत ही जाने जाते हैं। तो आपके इनसे बात करते हैं, आपके परिवार के लोग वहाँ पाकिस्तान में हैं? हमारे परिवार के काफ़ी लोग वहाँ पर पाकिस्तान में हैं, कराची में बंदर रोड है वहाँ पर हैं, लालू खेत में हैं, नाजमाबाद में हैं, कई सारे नन्हे बावर्ची, जुम्मा बावर्ची, काफ़ी सारे हमारे बरदर वहाँ पर हैं भाई। बताएं मतलब हम इस समय पुरानी दिल्ली में हैं जवाब मजे के साथ में और इनके फैमिली मेंबर्स अभी पाकिस्तान में वहाँ पे अभी भी रहते हैं और देख सकते हैं हम लोग बॉर्डर से डिवाइडेड हैं लेकिन हमारे लोग अभी भी वहाँ पे, वहाँ के लोग अभी यहाँ पे हैं, इसी तरह से हमारा एक रिश्ता बना रहे, हम घुल मिल के रहे, जो दूरियाँ थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा हो जाए कि हम आराम से आ जा सकें। मेरा बहुत ही मन है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, वहाँ के लोगों से मिलूँ, वहाँ के जायके का मज़ा लूँ। तो अनुभव है आपको, काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर जाओगे तो आप। अच्छा, जो यहाँ पर आपने देख लिया वो जो यहाँ की नए नई चीज़ें नए नए कट देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। पाकिस्तान का खाना भी एक मशहूर खाना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। और लेकिन मुझे अभी पाकिस्तान से ज़िया भाई हमारे साथ हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ भी नहारी मिलती है, दिल्ली नहारी के नाम से दुकान है, वहाँ पे कबाब मिलते हैं दिल्ली कबाब के नाम से, चाट दिल्ली चाट से। तो दिल्ली के नाम से काफ़ी वहाँ पे, मतलब पार्टीशन के बाद लोग यहाँ से वहाँ गए, माइग्रेशन हुआ। यहीं के हैं जो काम देखे हुए हैं ना। बिल्कुल, तो वही लोग हैं वो सारे। तो यही है कि हम लोग जा तो सकते नहीं है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक यहाँ का खाना पहुँचा सकते हैं। ज़रूर ज़रूर जी अनुभव भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे दिल्ली के नाम से बहुत सारी दुकानें हैं खानों की। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं दिल्ली कबाब हाउस और इसी के बराबर में है दिल्ली इस्लाम रेस्टोरेंट और आगे है शानदार दिल्ली हलीम और उसी के बिल्कुल सामने है मशहूर कराची का सबसे मशहूर जावेद दिल्ली निहारी है। तो देखते हैं कि दिल्ली का जायका कराची में किस तरह नज़र आ रहा है। ये हमारे साथ यासीन भाई मौजूद हैं। यासीन भाई जो हैं वो दिल्ली कबाब हाउस चला रहे हैं माशाल्लाह से। ये बताइएगा कि ये आपने नाम रखा है अपनी दुकान का दिल्ली कबाब हाउस, इसकी क्या वजह है? मेरे वाले साहब दिल्ली के हैं। दिल्ली के? हमारे तो वजह यहीं की है, लेकिन वाले साहब दिल्ली के। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद। कहाँ पे? लाल कुआं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, लाल कुआं। ये होते हैं भाई धागे वाले कबाब जिस पे आपने लगाया है ना, अरे धागा इसके ऊपर लगाना जो है ना ये भी एक आर्ट है। धागे वाले कबाब अच्छे बनाए ना। ये धागा ऐसे खोल के खाने का है क्या? हाँ, खोल के खाने। अच्छा, कीमा जैसा है ना, तो पकड़ के रखेगा, वैसा पकड़ के रखेगा। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया दिल्ली कबाब हाउस। अब आगे चलते हैं जावेद दिल्ली निहारी। अब वो निहारी जो है ना भाई, वो अल्टीमेट है। अनुभव भाई, आपने जब भी कराची आना है के ऊपर आप। ये मेरे सामने है दिल्ली मदीना पकवान सेंटर और इसी के बराबर में है दिल्ली इस्लाम रेस्टोरेंट। ये है भाई दिल्ली मामू फिश फ्राई। सलीम भाई, ये दिल्ली मदीना पकवान सेंटर और दिल्ली मामू फिश फ्राई, तो ये आपने दिल्ली नाम रखा हुआ है साथ में, क्या खास वजह? गाँव के जमाने का है ये नाम लिखा हुआ, जरा वो वहाँ के रहने वाले हैं, इस वजह से रखा गया। फिश के बारे में बताएं अपनी। फिश को 40 साल से हम यहाँ पर लगाएंगे, हमने ये 40 साल से हमारा चल रहा है। बड़ी दूर से दिल्ली का नाम सुनने, बड़ी दूर से लोग आते हैं दिल्ली का। वही आपकी बात, दिल्ली वालों का हर चीज़ बेहतरीन होती है, मसाले वसाले भी होंगे। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं इस वक्त कराची की सबसे मशहूर जावेद दिल्ली निहारी। देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। चले चले ऐसे रेस्टोरेंट बॉम्बे में रहते हैं, है ना? बॉम्बे वही है, मतलब बॉर्डर्स के टाइम का, वो टाइम का है, मतलब जो लोग वहाँ चले गए हैं तो उन
लोग ने यहाँ के नाम से वहाँ पे खोला है, निहारी का जावेद दिल्ली निहारी। तो ये जो दिल्ली निहारी है इसकी क्या वजह है? पहले हम हिंदुस्तान में रहते थे ना। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। पाकिस्तान जब बना जी जी फिर हम लोग यहाँ आ गए। सही। तो नाम तो वहीं का रखा जाएगा ना। सही सही। तो दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में बारह जी। अच्छा, कहीं जामा मस्जिद के पास है। पैदाइश आपकी इंडिया की, दिल्ली की? आपकी पाकिस्तानी की। तो आपके वाले साहब आए थे दिल्ली, तो वहाँ पर उनके खाने की दुकान थी? नहीं, मेरे खालू की थी। आपकी खालू की थी? निहारी की थी। अच्छा, निहारी की थी। यानी कि ये तो तकरीबन 100-150 साल पुरानी कहानी हो गई। 40 साल तो मुझे हुआ है। अच्छा, तो अभी इंडिया में आप वहाँ पे कोई आपके रिश्तेदार वगैरह हैं? अच्छा, भाई ने क्या खाने का काम है किसी का? खाने का है उनका, रिश्तेदार हो गया उनके बच्चे का। अच्छा, भाई जब लिखा रहे मैम। अच्छा, उनका चीर माल भी रुमा रहे वहाँ। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। भाई मैं खुद गया दो दफा दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जैसे कोरमा होता है, काली है, नहारी होती है, हमारे यहाँ आती है, हमारी है दुकान। अच्छा, हमारे जैसी नहारी वहाँ नहीं है? वहाँ नहीं है। अच्छा, तो उनको भेज दो आप, तीन पैक होते हैं मेरे यहाँ, वो उनको भेज दो, खाएंगे पूरी फैसला कर देंगे। सही बात है। अनुभव जो हमारे दोस्त हैं अनुभव, उनको कोई आप मैसेज देना चाहेंगे वहाँ पर? बस पाकिस्तानियों को दोबारा में याद रखें। अभी हम खा रहे हैं जावेद निहारी। तो हम जब तक निहारी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बाकी और हमें अनुभव भाई क्या दिखा रहे हैं। चिकन, इस समय हम जामा मस्जिद में असलम चिकन कॉर्नर शॉप पे हैं, और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि असलम चिकन शॉप असलम भाई हैं, इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, अरबाज़ भाई का ननिहाल पाकिस्तान में। आइए इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में अरबाज़ भाई हैं और सुल्तान भाई हैं। अरबाज़ भाई, आपका ननिहाल पाकिस्तान में है, कुछ बताइए, आप गए हैं पाकिस्तान? हाँ, मैं 3 दफ़ा गया हूँ पाकिस्तान। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे नाना नानी सब मिल रहे थे, खाली वगैरह। अच्छा, जैसे हमारा होटल भी है वहाँ पे। अच्छा, रेस्टोरेंट है वहाँ पे। कौन सी जगह पे? टुंटू खान के नाम से। आपको जाने खुशी होगी, हमारे साथ जो पाकिस्तान में अभी यूट्यूबर जुड़े हुए हैं, उनका नाम ज़िया भाई है, और वो एक यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं स्ट्रीट फूड पीके नाम से, और वो कराची के खानों के बारे में वीडियो बनाते हैं। वो ज़रूर जाते होंगे। किस नाम से? बंदू खान, अलहाजी बंदू खान। ज़िया भाई, अगर आप जाके वहाँ पे जायके का ज़रूर टेस्ट करें, कैसा है वहाँ का जायका है? क्या हम 100% की तो गारंटी देते हैं। अच्छा, बहुत मशहूर है वहाँ पे। क्या बात जी अरबाज भाई, बिल्कुल। अनुभव भाई हमारे साथ मौजूद है, मकसूद बंदू खान जो कि अरबाज भाई के कज़न है, इस वक्त हम बंदू खान के ऊपर ही मौजूद हैं। और बिल्कुल अरबाज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, कराची क्या बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही बंदू खान जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और अच्छा इत्तेफाक है कि हमारी जो है वो यूट्यूब के थ्रू मुलाकात हो गई, कि असलम चिकन जिनकी आप उससे बात कर रहे थे वो जो है वो इनके रिश्तेदार हैं। आए मैं आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त। आपके भी फैमिली के लोग वहाँ पाकिस्तान में? अभी फैमिली के लोग हैं, असल में ये मुल्क एक ही था सर, एक ही थे, एक ही लोग थे, फिर वो अलग अलग होगा, मगर आज भी खूनी रिश्ता वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी प्यार मोहब्बत और सबसे बड़ी बात है जायका है कि बिल्कुल वहाँ के खाने में और यहाँ के खाने में पूरा एक ही जायका मिलेगा, प्यार मोहब्बत मिलेगी, इत्तेफाक मिलेगा। ऐसा नहीं कोई हम एक दूसरे से अलग हैं, हमारा तिरंगा झंडा है, उनका चांदारा झंडा, कोई बात नहीं, मगर हैं तो हम सब एक। बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम में हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं, यही वीडियो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे। ओवर टू ज़िया भाई। अच्छा भाई, तो अभी अनुभव भाई मकसूद भाई के साथ हम ऊपर रेस्टोरेंट में आ गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है ये। मैं तो साहब कहता हूँ क्योंकि हमारा तारुक मेरठ से, और मेरठ से और दिल्ली से, तो मेरे दादा जो थे वो मेरठ से, कराची है, जब कराची आए तो उनका लियाकत अली खान के साथ इनकी दोस्ती थी, तो लियाकत अली खान के साथ जब ये कराची आए तो उन्होंने ढूंढा लिया यहाँ आप तो हैं तो काम क्या करें। तो छोटे से ठेले के ऊपर मेरे वालिद महमूद बंदू खान ने और अनाज बंदू खान के मेरे दादा मरूम हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया। और फिर सबसे पहले जो दो कबाब का वो लियाकत अली खान साहब ने आके दो कबाब ठेले के ऊपर खड़े हुए 1947 में, एंड की बात कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जो भी रेस्ट दे रहे हैं ये उनकी मेहनत का नतीजे है, उन्होंने दरख्त लगाया जिसको हम पानी दे रहे हैं, और
फल था। मुन्नू खान जो है इंडिया में भी क्या उनका खाने का ही कारोबार था काम था? इंडिया में तो कारोबार और तरह का सोने का कारोबार था। यहाँ आके चूंकि मैंने सोने का कारोबार इंडिया से छोड़कर पाकिस्तान यहाँ पर आए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी भी हमारे आधे रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद है, मेरठ के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो हमारी हमारे अंदर से खुशी होती है यार, हम भी जाए अपनों से मिले और अपने अप्लाइयाँ खोलती है। ये चीज़ें छूट नहीं सकती। ये देखिए यहाँ पे फोन काट रहे हैं, लाल फोन हमारा भी निकलेगा, लाल फोन उनका भी निकलेगा। तो इस हम भी चाहते हैं कि आपस में कोई ऐसा सिलसिला ना मिल सके जो आना जाना खुश है। सही बात। अभी भी छोटा छोटा भाई मेरे जाता है, नवंबर में फेस्टिवल लगता है हर साल दिल्ली में तलगजी मैदान में। 14 नवंबर से 28 नवंबर जो फेस्टिवल लगेगा उसमें बिंदु खान का स्टॉल भी होगा। अनुभव भाई आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाके मकसूद भाई के, बिंदु खान के स्पेशली मटन कबाब जो है ना वो ज़रूर ट्राई करने, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हम भी यहाँ पे मटन कबाब ट्राई करने वाले हैं। मुझे पुरानी दिल्ली में फूड टूर्स करते हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं और आप अगर मेरे से पूछें एक जगह, अगर एक रिकमेंडेशन मांगे दिल्ली में खाने की, तो मैं बताऊँगा असलम चिकन कॉर्नर। यहाँ का चिकन बहुत ही अलग है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है। आप देखें ये चिकन है और साथ में मक्खन है, दही क्रीम मसालों का के साथ बनाया गया है। प्रभास भाई ये कहते हैं कि ये चिकन जो बनाया है वो असलम भाई ने बनाया है, लेकिन ये सीख के पाकिस्तान से, ऐसा सच है क्या? ऐसा सच तो नहीं है, ये पाकिस्तान में ही बनता है, लेकिन वो तो थोड़ा एक दूसरे से मशवरा ही होता है। बेहतर बेहतर। असलम भाई का स्पेशल चिकन बटर चिकन टिक्का, वाह मुँह में घुल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। रिया भाई हमें बताएं आप कि पाकिस्तान में कराची में इस तरह का चिकन मिलता है, अपने वहाँ के जायके के बारे में हमें बताएं, यहाँ के आवाम को बताएं। ट्राई करते हैं सबसे पहले मटन कबाब। लगेगा जूसी मसालों के बारे में तो बताएं तो बता। सही बात है, ये तो सीक्रेट होता है। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा बिंदु खान के ऊपर खाना खाया है, लेकिन आज मकसूद भाई मेरे साथ हैं, अरबाज भाई मेरे साथ हैं, अनुभव भाई मेरे साथ हैं, अब उनके साथ ये खाना खाने का जो मज़ा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू अनुभव भाई एंड थैंक यू अरबाज भाई, हमें मकसूद भाई के साथ यहाँ पर कराची में इस तरह खाना खिलाने का आपने मौका प्रदान किया। और इसी के साथ हमारा पुरानी दिल्ली के जायके का सफ़र समाप्त होता है। आपको हमने कुछ झलकियाँ दिखाई पुरानी दिल्ली में, और भी जायके हैं और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपको और भी जगहें दिखाएंगे। ओवर टू जिया भाई। थैंक यू अनुभव भाई, इस वीडियो को बनाने में आपने मेरा भरपूर साथ दिया और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा उसी तरह मेरा भी दिल चाहता है कि पुरानी दिल्ली आऊँ, मुंबई की मोहम्मद अली रोड पर खाना खाऊँ और अपने आबाव इजाद के शहर लखनऊ को जाके घूमूँ। लेकिन फ़िलहाल तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए हम मोहब्बत का पैगाम आगे पहुँचाएँ और दुआ करें कि हम आसानी से एक दूसरे के पास आ जा सकें। दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा कंटेंट था, बहुत अच्छा ब्लॉगिंग, बहुत अच्छे से किया हुआ, सजा के एकदम एक के बाद एक बहुत अच्छे से मंजिले को सजाया गया है वीडियो को, बहुत खूबसूरत गाइस, बहुत अच्छा बनाया क्योंकि अच्छा नाम है। खाने का कोई बॉर्डर होता नहीं है गाइस, पता है। तो फिर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा गाइस? आशा करते हैं आपको भी हमारा वीडियो ये अच्छा पसंद लगा आया होगा, अच्छा लगा होगा। हमको बहुत अच्छा लगा, हम ये अनुभव करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। जिया तबारकल पीके और ये अनुभव पीके और ये अनुभव सापरा जी, दिल्ली दिल्ली फूड वॉक जो है वो दोनों ने बहुत अच्छा बनाया था। तो चलिए गाइस हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं नई वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो जी जरूर। तो चलिए गाइस हम लेते कैसा लगा वीडियो बताओ कमेंट करके, अच्छा अच्छा कमेंट करना है, इसके लिए हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना और अगली वीडियो किसके लिए बनाए, किसके बारे में हम बनाएं अगली वीडियो गाइस। आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं लिख के। तो चलिए हम गाइस लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिए।